भैया तेरे भाई लिए कुछ आज सरप्राइज है, पूरा वो ले गए आप क्रेडिट, दो तीन मीठी बात बोल गए। टैप कर ये क्या है? ये रिंग भाभी की। हाँ तेरे पास क्या कर रही है ये? धरती मुझे सेफ रखने को दी थी। ओहो ले सेफ ही रख ले से। क्योंकि मुझे बताया था वो बेकार आदमी आ गए तो रिंग छुपा दो। ओए कंटेंट मिल गया इसका तेरे को? भाभी भाभी मेरी साइड से आपके लिए गिफ्ट। ये स्पेशल है। नहीं क्या लिखा हुआ है देखो, ये उस तस्वीर में डाल दो। भाभी लो सिक्के हैं फ्रॉम यश। लो अरे हाँ सुरेश का यश हो गया ऐसी। तो ये तो दिया ही यश ने। लीजिए भाभी थैंक यू। नहीं अब ऐसे लो बस ठीक है देखना। और ये किसका नाम है? सुरेश। तुम दोनों नहीं भाई ये सुयश मतलब सुरेश भैया। सुयश का क्या मतलब है? सूरज एंड यश। सुयश है सुयश ही थोड़ी है। यदि अपने साथ दो मिठाई के डब्बे लेके जा रही है ऑफिस में खाएगी खाने के लिए। दो डब्बे क्यों, एक काफी नहीं है? तभी तो लड्डू हो रही है। एक ये और ये मेरी है और ये मेरी बिना रही। ये मेरी है। मेरे पास शादी व्लॉग खत्म होते ही ये हमारी फैमिली कंटेंट की वापसी लड़ाई के साथ। ये लड़ाई नहीं चोरी के साथ। अबे सेम मेरे का ना मेरी वाली ना मिल रही। ये भी हो सका है मेरी वाली लेकर जाओ क्या भैया। ये साइज ठीक ना एक्सचेंज ये ऐसे कर देता है भैया। अगर सेम चीज है वापस कर देता है। एक एक और भी तो करा रही। इसने मम्मी क्या कर दिया था अपने आप? क्या मम्मी ने कुछ बिलिंग में रखा तो इसे लगा पता नहीं क्या आया इसके मन में और वापस करवा दिया। मुझे लगा ऐसे दो दिन तो ले लिया। हाँ अब क्या करेंगे इनका। इसने अपने आप को मम्मी घर पे आके ढूंढने जा रही है। बताओ एक ले डिफरेंट कार। अपने साथ ले जाएंगे तो हॉट छोड़। अजय कहाँ है? विकी तू भी जा रहे हैं ऑफिस? ठीक है अभी तक। अच्छा काम करना ऑफिस में करो। बने रहो देख क्या रहा I know why Marvay is going in a different car. Because you are mota. Because you are mota, you can't fit together. Yeah. You really need a separate car. Oh, she's punching me. Hello everyone. मेरे को आपसे एक बात शेयर करनी है। मेरे को ये अभी मेरे नोटिस में आया है। मेरी एक YouTube की ऑडियंस ने मेरे को ये भेजा है। ये एक मेरी किसने फेक आईडी बनाई हुई है। ये नेम है चार्ट मी अपॉन टेलीग्राम और इसने मेरी डीपी लगाई हुई है। ये आप लोगों को मैसेज करता है आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू और आपको टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए बोलता है। तो मेरे ये एक ऑडियंस ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। उसने मेरे नेम से रिस्की रिक्की से टेलीग्राम आईडी बनाई हुई है और ये बोलता है कि इसने मतलब कि मतलब मैं आपको कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। ये बोलेगा कि मैंने मैकबुक एयर ली हुई है आपके लिए। आप देख सकते हैं मैकबुक एयर M2 और पता नहीं क्या क्या। और ये फिर आपसे शिपिंग फ़ीस मांगेगा मतलब 1000 या 2000 रुपये मांगेगा। यार मतलब आप ये बात सोचो, अगर मैं आपको मैकबुक गिफ्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको 1 लाख की मैकबुक गिफ्ट कर सकता हूँ तो क्या मेरे पास 1000 रुपये शिपिंग के नहीं है? 1 या 2000 रुपये शिपिंग के मांगूंगा मैं आपसे? ये जो भी है फ्रॉड है आप प्लीज़। और पता नहीं इसने ऐसा क्या करा हुआ है, इसके कमेंट्स मेरे को शो नहीं होते। तो आप प्लीज़ ये किसी भी स्कैम में ना आए, ये स्कैमर है, ये फ्रॉड है, जो भी है प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें। ओके और ये देखो मैंने इसको बहुत बार ब्लॉक करा है अपनी आईडी से। नई आईडी बनाता रहता है और आप सब लोगों को पता रहे कि मैं देखो अगर मैं कोई गिव अवे करूँगा तो मैं आपसे शिपिंग फ़ी भी नहीं लूँगा। और अभी मैं कोई गिव अवे भी नहीं कर रहा हूँ। ये गिव अवे के नाम पर आप लोगों को पागल बना रहा है तो आप प्लीज़ ध्यान रखें। ये है और ये नए बनाता रहता है। मेरी सिर्फ एक रिस्की रिक्की नाम से है, उससे अलावा जो भी है ये चार्ट मी अप ऑन टेलीग्राम ये जो भी है मेरी कोई दूसरा अकाउंट नहीं है ना। मेरा कोई शॉर्ट्स का दूसरा अकाउंट है, मेरा सिर्फ एक ही रिस्की रखी अकाउंट है। दैट्स इट। ये जो भी है फ्रॉड है, प्लीज़ आप इसके बहकावे में मत आना और इसको कोई मैसेज ना करे। मम्मी हैप्पी होली और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। आज मम्मी को कितने 29 साल हो गए? 29 साल बताओ 29 साल का मतलब है? मैं तो मानता हूँ 25 से ऊपर ना फिर मतलब कैटेगरी बुढ़िया वाली हो जाती है। तो आप हो गई हो? क्यों मैं तो तेरी बहू भी आ जाएगी, तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, मैं तब भी ना मानूं अपने आप को। और आवाज को क्या हुआ? आवाज तो बस देख ले, गा बजा के गीत गा के तेरे साथ ही हो जाएगी। अच्छा हाँ। इतने मत गाना फिर। भाई हैप्पी होली और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। देखो मैं पापा कैसे कान खींचता हूँ और एक कान पापा के, मेरे अलावा कोई नहीं खींच सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं नहीं पापा तो हमारे बहुत ही यंग है। पापा मैं मम्मी को कह रहा हूँ
तो 25 से ऊपर मैं मानता हूँ कि फिर बुढ़ापे वाला टाइम आ गया है, पर आप तो यंग हो तब भी। मैं तो यंग हूँ बेटा। हाँ, फाइन लगते बुढ़े। लगा दिया। हैप्पी होली। आप लोगों ने होली खेल ली, हमने बुलाया ज्यादा इसलिए नहीं खेले, सबकी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम, गला खराब, खांसी, सभी हो रहे हैं। शादी के बाद से सबके थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। सबके साइड से विशेष भी दे दो और सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इसकी थोड़ी ठीक है। हाँ, और इसके इसका तो मुंह तो पूरा तबीयत ठीक है पर खराब करने के लगे हुए हैं। मिक्की माउस बना रहे हैं मेरा मिक्की माउस। और आज होली के साथ मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। और कितने 29 इयर्स हो गए आज? हाँ, आज हमें हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और उसके लिए हमें बहुत लोगों ने बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं दी हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिया सबने, इतना अच्छा लग रहा, मैसेज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैसेज दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हम ना नई नई ड्रेस पहन के मैं बना नहीं पा रही कुछ, क्योंकि तबीयत ठीक है। आप दोनों अपना हाथ यहाँ रखो। दोनों को 29 इयर्स हो गए भाई, आप भी। हाँ, 29 हो गए भाई, देख लो भाई, देखो यंग कपल है अभी भी, किसी से कम नहीं है। शादी तो मम्मी पापा की आज के दिन हुई थी, लेकिन मम्मी पापा धन्य हुए 2 जनवरी को। अच्छा, नहीं, जिस दिन मिकी पैदा हुआ, जिस दिन करण पैदा हुआ, इसका कहने मतलब 2 जनवरी ये पैदा हुआ था। अच्छा मम्मी, ये धन्य की सबसे ज्यादा परेशान किसने करा था? धन्य नहीं करा, धन्य नहीं, धन्य नहीं, धन्य नहीं। आज पता है, सुनो, आज का दिन कौन सा पता है जी भाई? आज का दिन वो है, आज की तारीख में ही हमें वो लाइसेंस मिला था जिस लाइसेंस के तहत हम तुम्हें इस दुनिया में ला पाए। हैप्पी होली शीरो को मिला, थोड़ा सा शीरो। हैप्पी होली, हैप्पी होली शीरो को। तो पहले मेहंदी का लग रहा है। हैप्पी होली हुई, एक वो पड़े उधर, वो तो सो रहा है रूम में, उसे वहीं जाके लगाना पड़ेगा आपको। फोटो ले लो भाई। एक आज होली है और इसे देखो, इसे कोई मतलब नहीं, यहाँ मस्त लेटा हुआ है, सो रहा है, सोने का स्टाइल देखो इसका। आँख कैसे देख रहा है खोल के। बाबू सो जा, तू सो जा, सो जा, है ना बाबू, तो होली खेलेगा फिर उठ के ईलू के साथ। हाँ, तूने मैं एक जगह लेके जाऊँ, वहाँ से कोई भी शर्ट निकाल ले, आ जा। अच्छा, इसकी उसमें। हाँ, आ जा, तो खुद तो मेरी टी शर्ट पहन के होली खेलेगा यार। हाँ, कर रहा ड्रामे, देखिए उतरना जल्दी, होली खेल रहा है। मैं तो फिर होली ना खेलाऊँ, तब पहनी है मैंने ये, तो वाइट शर्ट क्यों पहनी है फिर इसने? क्या होली ना खेल, चूज करी मेरी टी शर्ट है और क्या क्या पहन रखा है? अरे शॉर्ट्स मेरे हैं। ओहो, तभी अपने कपड़े नहीं पहनना तू, 2 दिन से अभी इसे माहौल बना रहा है। मैं अपने क्या खराब करूं? अरे तेरे मैं लेने जा रहा हूँ। तुमने रात क्या करा मेरे साथ? पानी की जगह क्या पिला दिया? ऐसा हुआ, कल पानी का बोतल ना था। हाँ? मैं वाला सर का पानी का बोतल हमेशा वो बैग के अंदर रहता है। हाँ? मैं वाला वही निकाल के दे दिया, मैंने रख दिया था। अच्छा, अभी क्या पता था मेरे को सिरका का बोतल पड़ी है उसमें। मैंने पानी पिया, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, सिरका एप्पल साइडर है, इसने ऐसा कोई नुकसान वाला बात नहीं, इसने खट्टा पानी। हाँ, नुकसान वाला बात नहीं, फायदे वाली है। छोटू, वो बोतल लेके अभी नहीं पिलाऊंगा वीडियो में, मैं ना पीता खट्टा। अच्छा, हाँ, और हमें पिला दिया धोखे से। आपका जो एसिडिटी गैस है सब निकल जाएगी। अबे यार, अब तुरंत ही सफाई दे दी, फिर इनसे बहस करना बेकार है। अब आगे हम लोग गए थे होली वाली जगह पे, खाना पीना मिल रहा है, खाना पीना खा रहे हैं, बट हम जब तक पहुंचे खाना हो गया ख़त्म, और अब थोड़ा सा कलर लगवा के आ गए हैं वापस घर पे खाना खाने, जहां हमें पहले ही खा लेना चाहिए था। अब भैया और मैं जा रहे हैं भाभी के पास डेली, पहली होली भाभी के साथ मनाने, क्योंकि भाभी तो पहली होली हमारे साथ बना नहीं सकती, उनको अपने घर में बनानी होती है, पर कोई नहीं, उनका देवर पीछे पीछे वहीं आ रहा है, उनके घर पर साइड में बैठ के आ रहा है, गाड़ी मुझे चला के जानी पड़ रही है, तो गाड़ी तो चलाएगा ना, बड़ा भाई चलाएगा। हम पहुंच चुके हैं भाभी के घर पे, और मुझे करंट लगा है गाड़ी से, मुझे भाभी है यहीं से दिखने खड़ी हुई, उनकी टीम भी शायद हमें कलर लगाने के लिए। भैया मैं तेरे भरोसे आया हूँ, तूने कहा ज्यादा कलर नहीं लगेगा, अगर लग गया तो देख, यहाँ मेरे कैमरा चलो वहाँ भी कैमरा। लोकेश भाई हाथ निकालो, जरा हाथ तो निकालो, हाथ तो निकालो। डूची डूची गुची गुची हाथ दिखाओ, हाथ में तो नहीं है कुछ। हाय हैंडसम ब्रो। हेलो भाई, मेरी सबसे अच्छी भाभी है यार, जैसे भाभी को सबसे अच्छा देवर मिला है, मेरे में सबसे अच्छी भाभी मिली है, उन्होंने मुझे कलर लगने से हर तरीके से बचा लिया, मेरे को अपनी मेरे को अपने घर की उन्होंने वो खिड़की कूद के भगवा दिया, जैसे मेरे को कलर नहीं लगा पाई, वरना उनका प्लान था मुझे कीचड़ विचड़ पता नहीं क्या क्या लगाने का यार। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे सोसाइटी में जिसको मैं देख रहा हूँ पूरा कलर से पुता हुआ है, मतलब सबका स्किन टोन चेंज हो गया है कलर वाले, और भाई मैं देख के डर गया था कि मेरे साथ तो क्या ही होगा फिर।
आप देखना, आपको यहाँ पे लोग देखेंगे, आप कलर देखो, पूरा फेस वेस सब ग्रीन हो गया।